केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पुश्तैनी गांव सिताब दियारा का दौरा करेंगे। 11 अक्टूबर 2022 को वो उनकी 120वीं जयंती के कार्यक्रम में शरीक होंगे और उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। शाह इस दौरान जेपी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित करेंगे। वो वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रोचक बात है कि जनता दल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की एनडीए में टूट होने के बाद यह शाह का दूसरा बिहार दौरा है। वो इससे पहले पूर्णिया में रैली कर चुके हैं और उन्होंने किशनगंज में 23 सितंबर को पार्टी कैडर की एक मीटिंग भी ली थी। चूंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लिहाजा शाह जेपी की जन्मस्थली से बिहार के गोपालगंज, सीवान और सारण सरीखी क्षेत्रों के लोगों को साधने का प्रयास करेंगे। वैसे वह जब पिछली बार वहां जब गए थे तब उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया था। माना जा रहा है कि वो जनसभा के दौरान उन पर जुबानी हमले बोल सकते हैं।